देवपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में घर में लूट की वारदात सामने आई है। मकान में रहने वाले दंपति और उनके बेटे बेटी को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया और उसके बाद घर में रखी लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम की सुई घर में रहने वाली महिला नेपाली नौकरानी पर जा रही है, क्योंकि वारदात के बाद से ही घर में काम करने वाली नेपाली महिला फरार है। यह घटना सेलिब्रेशन मॉल के सामने देवेंद्र धाम के पास रहने वाले संजय गांधी के घर में हुई है। आसपास के लोगों ने संजय गांधी और उसके परिवार को MB अस्पताल पहुंचाया है, जहां संजय गांधी वार्ड नंबर 105 में पड़ती है। वहीं उनकी पत्नी शिल्पा और बेटी नियोनिका वार्ड नंबर 106 में पड़ती है। वहीं उनके 10 वर्षीय बेटे सूर्य का बाल चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल SP CT उमेश ओझा, डिप्टी कैलाश चंद्र, सुखेर थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत हॉस्पिटल पहुंचे और पीड़ितों से वारदात के बारे में जानकारी ले रहे हैं।